आज कैंट रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक छात्र के बैग से मिले 27.5 लाख रुपए। रेलवे स्टेशन पर चल रहे जीआरपी की चेकिंग के दौरान पुलिस को हुई थी युवक पर शंका, जिसके बाद उन्होंने युवक के बैग की जांच की और उसे अपने गिरफ्त में ले लिया। छात्र को गिरफ्तार कर जीआरपी की टीम जांच में जुट गई है। जीआरपी सीओ कुंवर प्रताप सिंह ने बताया कि स्टेशन पर पुष्कर मेला, निकाय चुनाव और ईद के मद्देनजर चेकिंग की जा रही है। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर चेकिंग के दौरान अभिनीत सिंह नाम का एक लड़का पकड़ा गया। उसके पास से पिट्ठू बैग में 27,48,220 रुपए बरामद किए गए हैं। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह फरक्का एक्सप्रेस से यह पैसा लेकर नालंदा बिहार जा रहा था। युवक के पास से रिजर्वेशन का टिकट भी मिला है। पुष्करम मेला और निकाय चुनाव और ईद के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर चेकिंग की जा रही थी। उस चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे अवनीत सिंह नामक एक लड़का पकड़ा गया, जिसकी चेकिंग के दौरान जिसके पिट्ठू बैग से 27,48,220 रुपए बरामद हुए। पूछताछ के दौरान उसने ये बताया कि वो ये पैसे लेकर के फरक्का एक्सप्रेस से नालंदा बिहार जा रहा था और फरक्का एक्सप्रेस से उसको जाना था, उसके पास एक रिजर्वेशन टिकट भी मिला है। सीओ ने बताया कि युवक नालंदा बिहार का रहने वाला है, वह पढ़ाई करता है और उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिट्ठू बैग में यह पैसे मिले हैं। युवक के संज्ञान में सिर्फ 15 लाख रुपए थे। इस पैसे को पहुंचाने के लिए युवक को 10,000 रुपए मिलने थे, जिसके लालच में आकर युवक ने यह कदम उठाया था। नालंदा बिहार का रहने वाला है और पढ़ने लिखने वाला लड़का है, बाकी और इसका अभी तक कोई और हम लोग की जांच में अभी इसकी कोई और जो है सोर्स इसका पता नहीं चल पा रहा है कि ये इसके इस क्या करता था और किस तरीके का वो कर रहा था। पिट्ठू बैग में किस तरह से पैसे रखे थे? ये पैसे उसमें अंदर की तरफ सिले हुए थे और इसकी नॉलेज में सिर्फ 15 लाख रुपए था, जिसपे इसको 10,000 रुपए मिलना था। और जब पिट्ठू बैग को खोल करके उसके पीछे जो सिलाई थी उसको खोला गया तो उसमें ये 27,48,220 रुपए। मामले की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दे दी गई है। ये इनकम टैक्स विभाग को दिया जाएगा, उनको भी कॉल कर लिया गया है और वो लोग आ गए हैं। इस संबंध में आगे की जांच पड़ताल की जा रही है।